नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। डूंगरपुर के आसपुर में आदिवासियों का महाकुंभ बेड़ेश्वर मेला आज से है। कोरोना कहर के चलते हुए सदियों पुरानी परंपरा में बदलाव किया गया, तो वहीं महंत नई विराजे पालकी यात्रा में, साथ ही सिर्फ भगवान निष्कलंक की निकाली पालकी यात्रा, साथ ही साथ साबला से बेड़ेश्वर धाम तक निकाली जाएगी है यात्रा। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2021 में आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी मतगणना। वहीं आज कुल 16 पदों के लिए मतगणना की जाएगी, तो साथ ही संयुक्त पुस्तकालय सचिव पर हो चुका निर्विरोध निर्वाचन। वहीं अधिवक्ता हितेश बागड़ी का निर्विरोध हो चुका है निर्वाचन। हिंडौन में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। करौली क्षेत्र के हिंडौन के 2 युवक मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, तो वहीं उदयपुर के हिंडौन लौटे दोनों युवक और हिंडौन के फुलवाड़ा व बाजना कला गांव के निवासी हैं वह दोनों युवक। साथ ही साथ चिकित्सकों द्वारा दोनों युवकों को होम क्वारंटाइन करवा दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली जाएंगे। प्रदेश में 2 किसान सभा संबोधित करने के बाद आज दिल्ली जाएंगे और वहीं 12 बजे डूंगरपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। साथ ही 2:30 बजे मातृगुंडी में किसान सम्मेलन को वह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 12 जिले के अंदर अतिक्रमण के खिलाफ में नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कॉलेज रोड पर की जा रही थी कार्रवाई, तो वहीं सड़क के 40-40 फुट की परिधि के अंदर आ रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। वहीं तहसीलदार पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस जाब्ता भारी संख्या में मौजूद भी रहा और नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा भी वहां पे मौजूद रहे। सुबह सवेरे में बस इतना ही। दिखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।